हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग MSQ व्लॉग्स। सो गाइस, हम लोग हैं समाया गोट फार्म पे, महापोली के अंदर, भिवंडी महापोली एरिया का नाम है माशाल्लाह। और समाया जो गोट फार्म है, काफ़ी इस एरिया के अंदर माशाल्लाह काफ़ी पुराना फार्म बोलूँगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले। शूट की रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा, मेल या DM करके आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इरफान भाई के पास भी मेरा नंबर है, आप लोग इनसे भी मेरा नंबर ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम समीर भाई, कैसे हो इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। इस वीडियो में भी अपन काफी बड़ा कलेक्शन निकाले, दो कोटा है, हाँ, दो मेंढे है, दो बच्चे ऐसे हैं जो भाई लोग अगले साल के लिए मेंढे या बच्चे पालना चाहते हैं, कोटे के हो गए तो उनके लिए बच्चे हैं। ये कुछ अपने चार बकरे, अपने भाई, एक भाई के अपने बकरे। अच्छा, ये एक दो और ये मेंढे बकरे इतने टाइम पे आए हुए बकरे। अच्छा, सेट हो गए ये अपने पास, इनको आके एक महीना हो गया। ये ब्राउन वाले को और वो ब्लैक वाले को, दोनों भाई है, एक दोनों पंजाबी है क्या? दोनों पंजाबी है, एक ही माँ के बच्चे, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों भी देने अपने को? हाँ, ये सब, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक माल पूरा लॉट देना है। और ये दोनों विलायती? दोनों विलायती भी देने। ये क्या डिटेल पर है दोनों भाई? ये एक दाँत, दो दाँत तोड़ा और एक दो दाँत पे, ये दो दाँत तोड़ा अभी जस्ट, ये दो दाँत पे है, ये दो दाँत कर चुका है, कर चुका है, ये दो दाँत फ्रेश किया है, ठीक है। और इनकी डिमांड वगैरह कैसी रहेगी इरफान भाई? इनकी डिमांड भाई, ये अपने को देना है क्या है, 27,000 में, 27,000 रुपये में, सही है। ये देने का है अपने को 31 में, 31,000 कर लेंगे, नेगोशिएट करेंगे। हाँ, क्या है भाई, बिना नेगोशिएट करे कोई बकरा लेता नहीं, लेता ही नहीं जब तक उनको सुकून नहीं मिलता है लोगों को। बिल्कुल भाई, सही है। और ये दोनों बच्चे जो है, ये कितने कितने महीने के हैं भाई? ये कुछ 6 से 7 महीने के बीच के बच्चे। इरफान भाई पैर उठा रहा है, खुर वुर कटिंग किए हो, क्या हुआ है इसको? हाँ, खुर अभी जल्दी कट के गया है, लेकिन भाई कुछ तकलीफ नहीं है, बकरा देख सकते हो, अगर तकलीफ हो जाए तो बकरा कूदता है, वो तो भाग रहा है, देखो ना, देखे नहीं, सही है। तो दोनों बच्चे सही है। हाँ, और इनकी वैक्सीन वगैरह हुई है इरफान भाई? इनको अभी PPR लगाया खाली, बस सिर्फ PPR, डीवॉर्मिंग हुई है, हाँ, हाईटेक और ओरली डीवॉर्मिंग हो गई है, और उसके बाद PPR लग चुका है, ठीक है। तो ये दोनों बच्चों की क्या डिमांड कर रहे हैं इरफान भाई? भाई अपने वो 30,000 में जोड़ी देने का, 30,000, हाँ, 15,000 का एक एक है, हाँ, पंजाबी बच्चे हैं माशाल्लाह। और अगर ये बच्चे, अरे ये भी पैर उठा रहा है, मतलब इनके हैबिट में ये है, अच्छी था, हाँ, कुछ भी नहीं, चेक कर सकते बिंदास आके, नहीं नहीं वो मैं समझ गया, ये भी उठा रहा है, वो भी, मतलब इनकी आदत में ही होगी फिर, हाँ, कुछ भी नहीं है इशू माशाल्लाह। बकरे फिट एंड फाइन है दोनों, है ना? 15,000 रुपये आप कोट कर रहे हैं, इसमें नेगोशिएट कर देंगे भाई, ठीक है, आ जाओ। कोटा गैंग, ये मुंडा बकरा कौन सा है भाई? सिंधी में, अच्छा, वाह, अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ है, गरम सिंधी है माशाल्लाह, खूबसूरत है, गुलाबी है बहुत अच्छा। और दो दांत के इरादे दिखाओ, वाह, दो दांत, अरे वाह, एकदम परफेक्ट दो दांत। अपने पास आया था, अजंत आया था, हाँ हाँ, बकरा इससे कुछ 1.5-2 महीना पहले आया था। अच्छा, हाँ, अजंत पे आया था, अजंत पे आया माशाल्लाह। और अभी क्या वेट वगैरह होगा इसका इरफान भाई? भाई वेट करा देंगे, हाँ हाँ, जो भी है, ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ 60 किलो होना चाहिए इंशाल्लाह, 60-65 होना चाहिए, लग तो रहा है, हाँ, होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब वो अपन चीज़ भाई खूबसूरत वाली चीज़ है, वेट पे नहीं, ये क्वालिटी है, ये इसके पैसे है ना, फरिया वेट के हिसाब से नहीं काउंट किए जाते, हाँ, ठीक है। इसकी क्या डिमांड करेंगे इरफान भाई? इसके 36,000, 36,000, सही है, बहुत अच्छे। और प्राइसिंग जो है अच्छी है, हाँ हाँ हाँ, ये देखो, अब आ जाओ कोटे पे, कोटा लवर, ये दो कोटे जंगल से मंगाए हुए अपने, अभी रिसेंट मंगाया, हाँ, रिसेंटली मंगाए हुए, ओके, रिसेंट बोलेंगे तो इसको हो गया एक 2 हफ्ते के आसपास हो गया, नहीं, हाँ, इसको ज़्यादा हुआ, इसको 20 दिन के आसपास हुआ है, हाँ हाँ, और उसको कुछ 2 हफ्ते हो गए, हाँ, 2 हफ्ते के आसपास, इसको 2 हफ्ता हो गया, हाँ, मतलब बकरे यहाँ पे आके डीवॉर्मिंग हो गई है, सेट हो गए, हाँ, डीवॉर्मिंग के बाद दाने मारने का है, 2 दिन में PPR भी मारेंगे, अच्छा, इनको PPR मार के दे देंगे, ठीक है। कितने कितने दांत पे इरफान भाई दोनों? भाई दांत दिखा देता हूँ आपको मैं, ये बकरा दो दांत पे, तीसरा तोड़ा है, हाँ, दो दांत पे आया। हाइट वगैरह क्या होगी? 37-38, ओके, 37 पकड़ो ना आप, 37 इंटेक सिक्के, हाँ, और बकरा बवाल है, लुक लुक का पैसा है, बकरा बवाल है भाई माशाल्लाह।
अभी ये सेट हो, मतलब अभी जाके सेट हुए हैं, अब जब इनको खिलाई पिलाई इनकी चालू होगी तो आप इसको देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बकरा क्या होगा। दो दांत पे उसका चेहरा देखो आप। इरफान भाई, आपसे एक बकरा बिक के गया था मेरे चैनल के थ्रू कुरला के अंदर। हाँ माशाल्लाह, लोगों ने क्या शौक किया हो बकरे का। वो बकरा अजंता था, वो खुद देखने गया था बकरा। और बकरा वाकई में बहुत खूबसूरत था। उसकी जोड़ी है मेरे पास जो कारोली थी, उसके साथ में एक बच्चा और था कारोली, याद होगा यार। वो भी बहुत अच्छा था यार। वो लोगों का क्या शौक, बच्चे वो लोग नाम वाम देखकर ऐसे ही चेहरा था। और अदंत पे था वो बकरा, लेकिन भाई बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज थी ये देखो। और एक मालवा शायद आपने तारीफ किए थे, याद है आपको, इसको अंडू नहीं, खस्सी नहीं करना। भाई वो चीज वाकई में हमने अंडू नहीं किया, अच्छा खस्सी नहीं किया, चीज बनी थी। कस्टमर इतना खुश हुआ था ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह उनके आज मेरे पास तीन बकरे हैं भलाई पर। अच्छा हाँ, नए कस्टमर थे, नए जोड़े थे मेरे पास, वो खस्सी करने वाले थे। मैंने मना किया, मतलब राय चार दांत पे कुछ 80 किलो के आसपास गया, चार दांत पे, चार दांत पे। हाँ, और इतना फरी में वाला एक साल और पाल ली, कुर्बानी उन्होंने नियत कर लिए थे बकरा, लेकिन लाजवाब था माशाल्लाह, माशाल्लाह। सो चलो यार, कस्टमर सुनते हैं आपकी वीडियो से भी क्या भाई। अच्छा सही, याद है ना आपको, आपने निकाले थे, आपने मशवरा भी दिया था, जो भी लेगा अंडू रखना, अंडू रखना इसको। ये भाई बड़ा बकरा, ये देखो ये बकरा देखो यार, इसको खोले तो एकदम अलग ही रंगत में आ गया। इसकी हाइट 39 है, आराम से होगी, हड्डी पे 39 है, ऐसा नहीं कि। इरफान भाई ये, हाँ आप ट्रेडिंग भी करते रहते हो क्या साल भर ऐसे? मैं ट्रेडिंग ऐसे बकरे करता हूँ जो आदमी अगर लेके पाले भी, चाहे मेरे पास या कहीं और भी, तो वो चीज़ बने। मैं अच्छी चीज़ लेके ट्रेडिंग करता हूँ, बनने वाली चीज़। ये देखो ये चीज़ जो है आपने देखा है, ये तीसरा चौथा दांत इसने तोड़ा, हाँ, तोड़ा है अभी, मतलब इसका फ्यूचर आप इसको देखकर अंदाजा लगाओ क्या चीज़ है ये। साइज, चेहरे का जो ब्रॉडनेस है, सिक्के है जो कोटा में माशाल्लाह। ये आप खुद जाके खरीदे हो या मंगाया मैंने ऑनलाइन? तो आपको ऐसे बंदे हैं आपके पास ट्रस्ट? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो अपने को अच्छी चीज भेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कोटा है के ही इंशाल्लाह भाई 40 हाइट इजीली करेगा, इजी इजी, क्योंकि जो हाइट अभी खोल रहे हैं ना। और ये बकरे का लुक, ये देखो हाइट 39, ये लंबाई में ये 39 तक ही जाएगा, लेकिन बकरे का जो लुक है ना भाई बहुत खूबसूरत, सीना बहुत अच्छा बना है ये बकरा। और इसने हाइट अच्छी खोली, हाँ ये हाइट अच्छी खोला है माशाल्लाह। और इसका कलर लाजवाब, जी जी जी। तीसरा चौथा दांत किया इरफान भाई, वजन क्या होगा? 65 के जो वजन किया हुआ इंशाल्लाह। और इरफान भाई इनकी डिमांड? डिमांड ऐसी कि इनकी कॉल पे बता पाऊंगा, कोटे बकरे हैं तो ज़्यादा महंगे नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ तो रखो। सस्पेंस इतने सारे बकरों में सबके तो बता दिया, एक अंदाज दे सकते हैं इरफान भाई? भाई क्या होता है ना, लोग ट्रोल करने चालू करते, तुमने तो फाइट भी नहीं की, 40-40 आवा हो दोनों भाई, 40-40 के ऊपर है, पालने वाले 40-40 के ऊपर है। हाँ, दो दो दांत पे है माशाल्लाह। और बकरे आपके भाई जंगल में, कोटा के जंगल में तो आग लगी पड़ी है, वो तो है। हमारे आमिर भाई अलदल वाले वो गए हैं। अच्छा, वही कोटा में ही है। अच्छा, तो बहुत आग लगी पड़ी है। लाइव अपडेट है अपने पास, लाइव अपडेट अपने पास। तो 40,000 के ऊपर के दोनों बकरे हैं, बच्चे हैं, और दोनों बच्चे इंशाल्लाह पलेंगे तो इंशाल्लाह। भाई देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, कल ही हमारे चैनल पे से, मेरे चैनल पे से अशरफ भाई का एक बकरा था, हम लोग ने डाले थे 50,000। जी जी जी, 47,500 रुपीज़ में वो बकरा बिका। लेकिन कैसा होता है ना, इंसान एक शौकीन होता है, उसका जवाब, उसका सवाल क्या था इरफान भाई? यकीन मानोगे, आप अंदाज़ा लगाओ कि कस्टमर ने क्या सवाल किया होगा बकरा खरीदने से पहले। एक नॉर्मल कस्टमर क्या सवाल करता है, जैसे ये बकरा खरीदा भाई, बकरा तो सवाल क्या करेगा, बकरा बनेगा क्या? हाँ, और सबसे पहले ये करेगा, एकदम कॉमन सवाल तो यही है। हाँ, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या करेगा, और दूसरा सवाल क्या करेगा? आपको मैं बताता हूँ वो कस्टमर ने क्या सवाल किया था, क्या करेगा भाई, ये बकरे को कितने साल पाल सकते हैं? अरे ये सवाल किया था उसने कि भाई ये बकरे को कितने साल पाल सकते हैं, तो सोचो उसने क्या देखा होगा वो बकरे में। और वो बकरा भी माशाल्लाह अपने इमरान भाई जीडी गोट फार्म पे भेजे अपन ने, आज जाएगा वो बकरा। जी जी जी, अब वो वहाँ रहेगा तो लोग देखेंगे इंशाल्लाह। सो वैसा बकरा लोग खरीदते हैं। जी जी जी, और उनकी सोच अलग है। शौक तो ऐसा है कि शौकीन आदमी तो बहुत सारे आते हैं। एक तो रहते कि भाई तुम बोले ना कितने साल पाल सकते है। एक होता है कि सोचता है कि 1 साल बेच दूंगा। अगर आके देखता बोले नहीं 1 साल और पालना है, 1 साल और पालने का, फिर वो आके देखता है 1 साल और, दो बकरा 2 साल पलवा देता है। अरे और दूसरा तो ऐसा होता है कि कोई कोई बोलता है इसको कुर्बानी कर दूंगा, कुर्बानी कर दूंगा, उसके बाद बोलता है नहीं इसको रखो, दूसरा बकरा खरीदो उसकी कुर्बानी करेंगे रखने का। और कई बकरे घर जाके वापस आते, हाँ कुर्बानी के लिए घर जाते और वापस आते, भाई घर पे आके रोना धोना हो गया, बोले वापस, बोले भाई 1 साल और पालने का। सो भाई शौक वाली चीज है ये जो हम लोग ने दो पांच मिनट जो एक इस टॉपिक पे दिए है ना, वो इसलिए दिए जो है अच्छी ही चीज है और पालने वाली है माशाल्लाह। भाई दो दांत का सिंधी है माशाल्लाह, फरी सारी बकरे जो सारे जो जानवर अपन ने दिखा ना, मेरे हिसाब से क्वालिटी में, क्वालिटी में मेंढी भी दोनों दो दो दांत पर है, सिंधी दो दांत पर है, ये दोनों बकरे दोनों दो दो दांत पर है,
और पंजाबी की भी क्वालिटी ये पंजाब से जहाँ से लिया है ना भाई मेरे दोस्त ने, उसके माँ बाप देखे हुए अच्छे हाइट लेंथ के बच्चे, अच्छा अच्छे बच्चे सही है माशाल्लाह। और एक मेंढा था आपका जो दिखाने वाले थे आप, उसको भी मंगवा लेते हैं। हाँ एक मेंढा है दिखा, ठीक है अपना बड़ा मेंढा ले आओ ना। सो गाइस ओह शॉक करो, ये देखो वाह माशाल्लाह, ये देखो इरफान भाई क्या चीज है ये, विलायती में है, विलायती है भाई माशाल्लाह, तैयारी देखो छह दांत पर है और 95 केजी मैंने इसको तोला था, उससे बड़ा वजन नहीं किया मैंने, हाँ प्लस ही बढ़ेगा इंशाल्लाह, कम नहीं होगा माशाल्लाह। इसकी इसकी डिमांड भी कॉल पे रहेगी नहीं, बता दो यार इसकी, बता 65 में देने नेगोशिएट देखो। क्या नाम है इसका भाई? अधीरा। अधीरा वाह क्या बात है, बहुत अच्छे अच्छी तैयारी है इरफान भाई। पलाई पे रखे अगर कोई इसको आपकी पिकअप आपके पास तो क्या वेट तक जाएगा अभी इसके बाद? भाई 100 तक मेंढे रुक जाते हैं। हाँ हाँ लेकिन कुछ मेंढे रहते जो जाते हैं तो समझो ना, ये भी इंशाल्लाह अगर इस पर और अच्छी मेहनत करी जाए, क्योंकि चमड़ी इसने अभी लूज़ किया है, आज के टाइम पर थोड़ा टाइट टाइट था और अभी तो चमड़ी देख रहे हैं आप लूज़ किया है, इस पर गुंजाइश है और क्योंकि 6 दांत पर ही है भाई। ओके अभी 6 दांत पर है माशाल्लाह, तैयारी लेगा ये? लेगा इंशाल्लाह। इसके आपने मांगे कितने? 65,000 नेगोशिएट कर देंगे, ठीक है। और ये वीडियो का आखिरी जानवर है? जी 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 जी, ठीक है वीडियो क्लोज करें इरफान भाई। जी जी तो ये जो बकरे अगर कोई पलाई पर रखना चाहिए, अंडुल बकरे है जी जी, एक बार फिर से अपन पलाई रिपीट करते हैं इरफान भाई। भाई अंडों की केज की पलाई 3,500 रुपये है और खूटे की पलाई 3,000 रुपये है अंडों की। Okay. ये हो गया अंडू का। खस्सी का आता है 2,500 रुपया, 50-60 के अंडर रहेगा तो, और बड़ा खस्सी रहेगा तो 3,000 रुपया, 2,500 रुपया खस्सी और इंक्लूडिंग वैक्सीन इन ऑल है ना, उसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बाद में आपको देना पड़ेगा। जी 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 ठीक है। और ये देखे माशाल्लाह मेंढा देखो यार क्या बात है, वाह खेल के लायक की चीज़ है, अपन प्रमोट नहीं करेंगे लेकिन कैसा है जो शौकीन लोग हैं उनके लायक की चीज़ है यार माशाल्लाह, बहुत अच्छे सही है। सो इसी के साथ ये वीडियो क्लोज करते हैं गाइस, नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर इरफान भाई का दे दूंगा, जो कोई भी इंटरेस्टेड हो इन बकरों में पलाई पे बकरे देने में यहाँ आओ देखो, जगह को देखो, बकरों को देखो, पसंद करो बकरे यहाँ पे पलाई पे दो, और या तो बकरों का सौदा अगर आपको करना है तो बकरों का सौदा, इसमें ऐसा कोई टर्म्स नहीं है कि बकरे यहीं रखना है, ले जा भी सकते हैं कोई मसला नहीं, ठीक है। सो वीडियो क्लोज करते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।